हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला वाई नीतू निगम मैं अपने चैनल पर ओलंपियाड एग्जाम प्रिपरेशन चैप्टर वाइज करवा रही हूँ आज मैं आपके लिए एन सी ओ वर्क बुक से चैप्टर फाइव लर्निंग टू यूज़ माउस पे एम लेकर आई हूँ इससे पहले मैंने पार्ट वन माउस के बनाए थे उसके एम डाल चुकी हूँ इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि मैंने सी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर टेक्स्ट बुक से चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करके उसके बुक सॉल्व क्वेश्चन करवाए हैं जिससे कि बच्चों की कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए उसके बाद ही वो एन सी ओलम्पियाड वर्क बुक को सॉल्व करें तो आप वो वीडियो हमारे चैनल पर जाकर अवश्य देखें मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक डाल दूँगी उसके बाद आप एन सी वर्कबुक बच्चों से सॉल्व करवाएंगे तो बच्चा खुद ही कॉन्सेप्ट लिए रहने पर खुद सॉल्व कर पाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सिक्स लर्निंग टू यूज़ माउस क्वेश्चन नंबर एलेवन फॉर इट्स प्रॉपर वर्किंग अ माउस शुड ऑलवेज बी केप्ट ऑन माउस को अच्छे से वर्क करने के लिए माउस को किस तरह रखना चाहिए ऑप्शन ए रग्ड या रफ टेबल सरफेस रफ टेबल सरफेस पे बी परसन सैंड व्यक्ति के हाथ में सी माउस पैड मेड ऑफ़ क्लॉथ माउस पैड पे जो कि क्लॉथ का बना हुआ होता है एंड डी माउस पैड मेड ऑफ़ रबर या फोम या वैसे माउस पैड पर जो कि रबर या फोम का बना रहता है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी माउस पैड मेड ऑफ़ रबर और क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सेलेक्ट द इन करेक्ट मैच इसमें से हमें पिक्चर को देखते हुए इन करेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है ऑप्शन ए ट्रैक बॉल बी जॉइ स्ट्रिक सी ऑप्टिकल माउस एंड डी पेन माउस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पेन माउस ऑप्शन डी इज ऑफ स्टाइल सो ओनली ऑप्शन डी इज इन करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन रिलीजिंग द राइट माउस बटन आफ्टर प्रेसिंग इट वंस इट कॉल्ड इट डिस्प्ले इन लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेलेक्टेड आइटम राइट माउस बटन को हम एक बार प्रेस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं ये ऑप्शन में सेलेक्ट आइटम से हमें सेलेक्ट करना है option a right click b double click c drag click and d drop click correct answer is option a right click question number 14 which of the following mouse operation when used to combination with shift key select multiple item on the screen at once माउस के साथ स्विफ्ट की को प्रेस करते हुए हम एक साथ स्क्रीन पर मल्टीपल आइटम को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो माउस के साथ हम स्विफ्ट की को प्रेस करके माउस के कौन से बटन को क्लिक करेंगे ऑप्शन ए लेफ्ट क्लिक बी क्वाड क्लिक एंड ड्रैग सी रिलीज एंड ड्रॉप एंड डी राइट क्लिक करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लेफ्ट क्लिक लेफ़्ट क्लिक एंड माउस के लेफ़्ट क्लिक एंड स्विफ्ट को प्रेस करके हम स्क्रीन पर से मल्टीपल आइटम को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन व्हेन बी क्लिक द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस जब हम लेफ़्ट माउस बटन को क्लिक करते हैं एंड माउस को ड्रैग करते हैं विदाउट रिलीजिंग द बटन विदाउट रिलीजिंग बटन के माउस को ड्रैग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं Option A deselecting B, click and drag C, drop and release and D none of this. Correct answer is option B, click and drag. Question number 16. Achiever section In the context of mouse, which of the following statement is correct? फॉलोइंग स्टेटमेंट में से माउस के लिए कौन सा ऑप्शन सही है ए लेफ़्ट क्लिक व्हेन यू क्विकली प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस लेफ़्ट क्लिक माउस का हमें तब प्रेस करना चाहिए जब हमें लेफ़्ट माउस बटन को दो बार ट्वाइस क्लिक करना हो और रिलीज करना हो बी बी यूज़ द लेफ्ट क्लिक टू सेलेक्ट आइकॉन एंड बटन लेफ्ट क्लिक माउस का लेफ्ट क्लिक बटन हम यूज़ करते हैं किसी भी आइकॉन या बटन को सेलेक्ट करने के लिए सी द वायरलेस माउस इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर मॉनिटर वायरलेस माउस हमेशा कंप्यूटर मॉनिटर से कनेक्ट रहता है एंड डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वी यूज द लेफ्ट माउस लेफ्ट क्लिक टू सेलेक्ट आइकॉन एंड बटन लेफ्ट क्लिक इज़ वेन यू प्रेस एंड रिलीज़ द लेफ्ट माउस बटन वंस एंड ओनली द वायर माउस इज कनेक्टेड टू द सीपीयू पी केबल सो ओनली ऑप्शन बी इज़ करेक्ट लेफ्ट माउस बटन हम तब क्लिक करते हैं जब हम लेफ़्ट माउस बटन को एक बार प्रेस या रिलीज करना होता है और ओनली वायर माउस ही सी या केबल से कनेक्ट होता है सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 17। इन द गिवन स्नैपशॉट लिस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज इज डिस्प्ले फॉर द सेलेक्टेड आइटम इस गिवन स्नैपशॉट में हमें सेलेक्टेड आइटम्स के प्रॉपर्टीज डिस्प्ले हो रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग माउस एक्शन विल एनेबल दिस इस ऑप्शन को हम माउस से किस प्रकार इनेबल कर सकते हैं ऑप्शन ए लेफ्ट क्लिक बी डबल क्लिक सी राइट क्लिक एंड डी ड्रैग एंड ड्रॉप माउस से इस एक्शन को एनेबल करने के लिए हमें डिफरेंट स्टेप फॉलो करने होते हैं टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइटम डू द फॉलोइंग वन पॉइंट द आइटम ऑन स्क्रीन टू प्रेस द राइट माउस बटन वंस एंड देन थ्री

ताकि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन को कर सकें तो ऑप्शन वन टू वन फाइव थ्री फोर ऑप्शन बी वन टू थ्री फोर फाइव ऑप्शन सी टू फाइव वन थ्री फोर एंड ऑप्शन डी फाइव वन टू थ्री फोर करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए टू वन फाइव थ्री फोर हमें किसी भी ऑपरेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए निम्न स्टेप अपनाना पड़ता है फर्स्ट मूव एंड ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द आइटम विच यू वांट टू मूव सबसे पहले हम उस आइटम पर माउस पॉइंटर को ले जाते हैं जिस आइटम को हमें मूव करना होता है देन क्लिक ऑन इट टू सेलेक्ट उसके बाद क्लिक करके उस आइटम को हम सेलेक्ट करते हैं देन प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस उसके बाद उसे प्रेस करके लेफ्ट माउस बटन को उस पर होल्ड करते हैं दैन पुल द आइटम टू द डिजायर लोकेशन उसके बाद उस आइटम को हम पुल करते हुए डिजायर लोकेशन पर ले जाते हैं एंड लास्ट रिलीज द बटन उसके बाद हम माउस बटन को रिलीज कर देते हैं तो वह आइटम हमारा वहाँ पर ड्रॉप हो जाता है क्वेश्चन नंबर 19। Which ऑफ़ द फॉलोइंग माउस एक्शन when परफॉर्म ऑन icon, will डिस्प्ले द गिवन विंडो हमें माउस में माउस से इस आइकॉन के लिए रिसाइकिल आइकॉन ओपन करने के लिए विंडो पर रीसाइकिल आइकॉन को डिस्प्ले करने के लिए माउस के कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है ऑप्शन ए लेफ़्ट क्लिक बी राइट क्लिक सी डबल क्लिक एंड डी ड्रैग एंड ड्रॉप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डबल क्लिक डबल क्लिक मीन्स टू क्विकली प्रेस एंड रिलीज़ द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस इट इज़ यूज टू ओपन प्रोग्राम ऑन कंप्यूटर डबल क्लिक का मतलब होता है लेफ्ट माउस बटन को दो बार प्रेश करना एंड रिलीज करना इसका यूज़ जनरली किसी भी प्रोग्राम को कंप्यूटर पर ओपन करने के लिए किया जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग माउस एक्शंस वुड यू चूज टू पुट द कार इन साइड द गैरेज कार को हमें गैरेज के अंदर डालना है इसके लिए हमें निम्न ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है ऑप्शन ए डबल क्लिक ऑन द कार बी ड्रैग एंड ड्रॉप द कार सी राइट क्लिक ऑन द कार एंड डी सिंगल क्लिक ऑन द कार करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ड्रैग एंड ड्रॉप द कार कार को गैरेज के अंदर ले जाने के लिए हमें निम्न स्टेप्स करने पड़ते हैं सबसे पहले सेलेक्ट द कार नाउ वाइल होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन उसके बाद हम कार पर माउस के लेफ़्ट बटन को होल्ड करेंगे एंड परफॉर्म द ड्रैग एक्शन उसके बाद हम ड्रैग करेंगे ड्रॉप द कार इन साइड द गैरेज उसके बाद कार को हम गैरेज के अंदर ड्रॉप करेंगे एंड देन रिलीज द माउस बटन उसके बाद हम माउस बटन को रिलीज कर देंगे सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ड्रैग एंड ड्रॉप द कार आज के लिए इतना ही आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें थैंक यू